भगवान भोले बाबा की विदाई जब माँ मैना कर रही हैं अपनी बेटी की विदाई, आए हैं कैलाश पर्वत पे, तो वहां जवाब दियो मैया ने कि महाराज पिछला जन्म जैसे मैंने काटा वो तो काट लिया, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि आप महल बनवाएं। तो दादा सोने के महल बनवाए गए, सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं, वो गृह प्रवेश करवाने के लिए आए। तो वहां अच्छे से गृह प्रवेश हुआ, लेकिन रावण ने जब उन सोने के महलों को देखा तो जवाब दिया कि ये सोने के महल हमें बड़े अच्छे लगे, ये आप दक्षिणा में मांग लो। तो वो सोने के महल दक्षिणा में मांगे हैं, तो वो सोने के महल जब दिए हैं बाबा ने रावण को, उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया बाबा बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पे ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। अच्छा लोग जो कलयुग के हैं ना, वो पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जो बाबा ने किया वही मैं करूंगा। जैसे शराब गांजा भांग जो भी पी लेंगे तो फिर बोलेंगे ये तो भोले बाबा ने भी पी है भांग या गांजा। तो एक बात बताइए, ये भोले बाबा ने खाए पिए हैं अगर गांजा भांग, तो एक चीज और खाई है बाबा ने, पता है क्या? जहर। वो भी ट्राई कर लो एक बार, शायद असर ना हो। जो बाबा कर सकते वो आप नहीं कर सकते। अच्छा आप बताइए, भूत और भभूत कभी एक साथ रह सकते? जैसे भूत लगे हो और भभूत ही लगा लो तो भूत आसपास नहीं भटकेंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है भभूत और साथ में है भूत। और बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। अरे श्री सुदीप चंद्र मिश्रा जी मैनपुरी से आए हुए, और श्री जयवीर दादाजी मैनपुरी से जो मालर पर कर रहे हैं, वहां से यहाँ तक आकर के सम्मानित किया। प्रवंसी वाले से कामना करती हूँ कन्हैया, यूं ही ऐसे बुजुर्गों का हाथ मेरे ऊपर बना रहे और सम्मानित कर रहे भगवान। इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, असीम अनुकंपा परिवार पर बनी रहे, ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही गोविंद से अभिलाषा और आकांक्षा है। बोले कन्हैया लाल की, पीछे जो खड़े हैं ना वो बैठ जाओ। पहरेदारी पे होगा? है? नहीं, बैठ जाओ। हमें बॉडी गार्ड की जरूरत है ही ना, हम पैदा ही अकेले भाई। और बैठ जाओ लला। अच्छा भैया कहते हैं यहाँ जब, हाँ तो कहते हैं कि बाबा जो काम करते हैं, जैसे बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते, और बाबा की सवारी है बैल और मैया की सवारी है
शेर एक साथ रहते हैं और सर्प और मोर कभी एक साथ नहीं रह सकते। कार्तिकेय की सवारी है, मोर और बाबा के गले में है सर्प। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। और छोटा बेटा गणेश जी की सवारी है, चूहा और गले में है बाबा के सर्प। अब आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन तीसरा नेत्र बाबा का खुल जाए तो आग है और जटाओं में गंगा है, एक साथ रहते हैं। तो वो जो कर सकते हैं ना, वो हम और आप नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि अगर डकैती डाल लो ना तो चोरी कर लियो तो कौन सा बड़ा काम है। भगवान ने कहा नैया ने चोरी करी, अरे उन्होंने माखन चुराया था, उनके पीछे तो पूरी दुनिया है, ब्रजमंडल है, सब पीछे पड़े। लेकिन अगर तुमने चोरी और डकैती डाली ना, तुम्हारे पीछे पुलिस ही पड़ेगी, याद रखियो। ऐसा काम करो ना जो अच्छा लगे, ऐसा थोड़ी होता है। और लोग कहते हैं कि अरे जिसके दो शादियां हो गई, तीन हो गई, भगवान ने तो 16108 करी, उनने संभाली नहीं है, तुम पे एक अच्छे से ना संभाली जाते। हाँ ना कम दम है तुम्हारी, समझ गए ना, तो सोच समझ के फैसला लिया करो। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कहते हैं कि बाबा और मैया बड़े प्यार से रहने लगे। प्रश्न उठता है सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम और आप किसकी संतानें हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जो हैं इनकी संतानें हैं। कहते हैं दादा जिनसे जिनकी हम और आप संतानें हैं, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा की पांच संतानें हुई हैं, तीन बेटियां और दो बेटे। तीन बेटियां हुई हैं आकूति, देवहूति और प्रसूति, और दो बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। ये अयोध्या नगरी के राजा, अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने न जीत पाया हो। ये जो देवहूति है, इनकी शादी कर्दम ऋषि से हुई थी। नौ बेटियां हुई, दसवें पुत्र हुए कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन चित्त अहंकार के बारे में समझाया था और कहा था माँ अगर इस मन को वश में करना है तो सबसे पहले आप चित्त को वश में करें और जितना हो सके आप इस मन को सत्संग में लगाएं, क्योंकि जो मन होता है ना ये गधे के समान होता है। हाँ, आप अगर उल्टा चलाओगे ना तो उल्टा चलेगा। एक बार अगर कई चीज इसकी मान ली, अगर उसी हिसाब से आप चलने लगे तो ऐसे ही चलेगा, फिर बहुत मुश्किल से कंट्रोल हो सकता है। जैसे पहले के धोबी जो होते थे ना, वो गधा रखा करते थे, तो जब कपड़े धुलने जाते थे तो कपड़े धुलने के बाद गधे पे रखते थे, तब घर आते थे। अब एक धोबी कपड़े धुलने गया तो वहां पर रोज तो रस्सी लेके जाता था गधे को बांधने के लिए, लेकिन एक दिन भूल गया। अब गधे को लेके पहुंचा तो जिस पेड़ से वो बांधता था, वहां जब पहुंच गया तो याद आई कि रस्सी तो लेके ही नहीं आया हूं, अब क्या करें। तो जैसे ही गधे को छोड़ा, अब गधा खेती बंजर करने लगा। अब धोबी सोच रहे कि अगर गधा पकड़े तो कपड़ा धुल पाए, कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए, क्या करे। तो बैठ के रोने लगा। संतो, संत का मतलब होता है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जो सच्चा संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। तो संत जी आ रहे थे, बोले क्या बात है, क्यों परेशान हो। जवाब दिया महाराज अगर कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए और गधा पकड़े तो कपड़ा धुल पाए, बताओ क्या करें। बोले रस्सी भूल गया। हाँ महाराज। बोले जिस पेड़ से रोज बांधता था ना गधे को, पैर में बांधा जाता है,
बोले जिस पेड़ से रोज बांधता था उसी पेड़ के पास पहुंच जा और पैर से और पेड़ तक सात बार हाथ घुमा, सात बार हाथ घुमाया। अब गधा तो गधा अनुमान लग गया कि मुझे बांध रहे हैं। अब खड़ा हो गया, कपड़े धुले सुखाए गधे पे रखे। अब महाराज हाथ मारा तो वो चल नहीं रहा, अब वो चल नहीं रहा। लौट के आए संत जी, बोले अब क्या बात है, काय को रोए रे? बोले महाराज अच्छी अकल बताया गया, अब जो चलू ना रहो। बोले अरे बाप रे, सात बार पहले सीधा हाथ घुमाया था, अब सात बार उल्टा हाथ घुमा दे। जैसे ही उल्टा हाथ घुमाया गधे ने चलना शुरू कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ही मन है, अगर ये गलत कामों में लग गया उसमें बंध गया तो वैसे ही बना रहेगा, और अगर एक बार आपने सत्संग की तरफ मोड़ दिया वहीं ये लगा रहेगा, फिर इसको बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। आपका हिसाब है आपको इसे कैसे चलाना है। भैया कहते हैं कि दुनिया जो है वो तीन चीजों से बनी है। संतों का ये मत है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया तीन चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। अब गॉड की फुल फॉर्म होती है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब होता है पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर का मतलब है मारने वाला। तो बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, पालन करने वाले हैं विष्णु जी और संहार करने वाले हैं भगवान भूतनाथ। भोले बाबा दुनिया तीन चीजों से ही बनी है, ये देवी देवताओं के हाथ में है। भैया जो राजा उत्तानपाद है उनकी पत्नी है जिनका नाम है सुनीति, जो दिखने में ज्यादा सुंदर भले ही नहीं है लेकिन गुण बहुत अच्छे हैं। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, अब परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी, बड़ी अच्छी है। भैया बड़ी पतिव्रता है, लिखा है दादा पतिव्रत धर्म बड़ो है वारी, जाके कोई ना ठीके अगारी जा संसार में। शक्ति बड़ी पतिव्रता नार में, जल को लोटा लेके उर्मिला चौदह वर्ष बिताए। खड़ी रही दरवाजे पे पर लौट लखन नहीं आए, भला ऐसी थी वो उर्मिला और मिला नारी, जाके कोई ना टिके अगारी जा संसार में। शक्ति बड़ी पतिव्रता नार में, बड़ी सुंदर है सुनीति, बहुत पतिव्रता, पति की हर बात मानती। अच्छा एक बात बताओ,
पति के पैर रोज डेली सुबह उठ के कौन कौन छूती हैं, हाथ उठाना। कल छुए थे, कल हाथ उठा चक्कर।